कुल्लू में 45 साल से ऊपर के 1,06,263 लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है। इस आयु वर्ग के 1.26 लाख लोगों का टीकाकरण होना है। इसमें से पहला डोज 90,429 लोगों को दिया जा चुका है और दूसरा डोज 15,834 लोगों को दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ये जानकारी कुल्लू अस्पताल में कोविड टीकाकरण का जायजा लेने के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि जिला का स्वास्थ्य विभाग कोविड के मामलों से निपटने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। गोविंद ठाकुर ने जिला अस्पताल कुल्लू में वैक्सीनेशन का जायजा लिया और स्वास्थ्य अधिकारियों से मामले पर फीडबैक भी लिया। उन्होंने वैक्सीनेशन के कार्य में जुटे स्टाफ का हौसला बढ़ाया और उनसे बातचीत की। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द ही कुल्लू का जिला अस्पताल 200 बेड क्षमता वाला हो जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अस्पताल में इसको लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों के पंजीकरण पर भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो जोनल हॉस्पिटल कुल्लू में एक तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का जो काम चला है कि इसमें क्या प्रगति है और यहाँ पर क्या कोई कठिनाई तो नहीं है, और यहाँ पर आकर के आज हमने ये जानकारी प्राप्त की है कि अभी जो कुल्लू जिला के अंदर जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनका टीकाकरण होना है लगभग 1,26,000 लोग हैं, और जिनमें से 1,06,000 के करीब लोगों का टीकाकरण अभी तक हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये हम 100% तक पहुंचने वाले हैं और ये अच्छी प्रगति से। और दूसरा, यहाँ पर आकर के जो हमने देखा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, ये बहुत अच्छा प्रकार से काम कर रहे हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर और इन सब की जो एक जोड़ी है, बहुत बढ़िया तरीके से ये सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये है कि अभी हमको अगला जो कदम हमको रखना है कि अभी वर्तमान में हमारे पास यहाँ पर जो हमारा जो कोरोना का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर अभी 100 बेडेड हमारे चल रहे हैं, और जिसमें अभी लगभग 50 पेशेंट हैं। और अभी हमारी चिंता यह है कि यदि कहीं और अधिक मामले निकलने लगे तो हमको ये बेड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जहाँ पर कि ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहे, तो उसके लिए हम इसको 200 बेडेड करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करने के लिए आए थे, और उसमें जहाँ पर जो मेडिकल वार्ड शिफ्ट करना था, सर्जिकल वार्ड शिफ्ट करना था, वो काम कर दिए हैं और वो तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। और अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग 365 के करीब यहाँ पर हमारे पास जो जिसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध है, हमारे पास ऐसे बेडेड है, और अभी इसको और तेज़ हम करने की का प्रयास करेंगे, ताकि अगर कोई भी ऐसा कोई लगता है कि कोई समस्या है तो उसको करेंगे। और साथ में है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी आसपास जो हॉस्पिटल है उन सब से बातचीत हुई है कि जिसके पास जो सुविधा उसको करेंगे। और मैं एक और बात भी आपके ध्यान में लाऊँगा कि कुल्लू का जो हमारा DCHC सेंटर है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इन दिनों में लगभग 1300 पेशेंट यहाँ पर दाखिल हुए, और जिनमें से प्रभु की कृपा से केवल मात्र 5 लोग ही ऐसे हैं कि जिनकी डेथ हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे प्रकार से हमारे डॉक्टर्स की टीम और हमारे स्टाफ यहाँ पर संभाल रहे हैं, तो इसलिए आने वाले दिनों में और अच्छी सुविधा हमारे यहाँ पर प्राप्त हो तो उस दिशा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना काल एक चुनौतीपूर्ण समय है, इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित करें। ये समय बच्चों, उनके माता पिता और वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए भी कठिन है। स्कूल बंद होना, दोस्तों, परिवार व अन्य को न देख पाना और वित्तीय असुरक्षा ने इस समय को और भी कठिन बना दिया है। अपने बच्चों को प्यार व दुलार दें, जिसकी उन्हें जरूरत है। उनके साथ कुछ सरल व सहज एक्टिविटी करें जो उन्हें प्यार व आराम प्रदान कर सकता है। इस दौर में अपने बच्चों को छाती से लिपटाकर लाड करें। अपने जवान बच्चों के साथ किताबें पढ़ें। अपने घर के सदस्यों के साथ नाच गाकर समय बिताएं। अपने बड़े बच्चों के शौक में दिलचस्पी दिखाएं और उन्हें सभी उम्र के बच्चों के साथ सकारात्मक बातचीत करने की अनुमति दें। अपने सोने, खाने व अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्वस्थ दिनचर्या निर्धारित करें। यदि आप थका व उबाऊपन महसूस कर रहे हैं तो आप एक ब्रेक लें और कुछ मिनट गहरी सांस लें, तभी आप अपने बच्चों व अपनी बेहतर देखभाल करने में सक्षम होंगे। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और अपने साथ ही औरों का भी ख्याल रखें। कोरोना से लड़ाई में हिमाचल के साथ
लाइव टाइम्स टीवी, जानकारी से बचाओ, जनहित में जारी।